हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं सुमित, देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर उत्तरकाशी से। अभी कुछ समय से मैं देहरादून में हूं और पूरे उत्तराखंड में और यहां तक कि पूरे इंडिया में लगातार कुछ समय से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कहीं कहीं में तो बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रखी है। जैसे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर पंचवक्त्र का मंदिर है, सिर्फ वो मंदिर बचा है, बाकी सब घर, लोगों के घर, पहाड़, गाड़ियाँ सब बह के तहस नहस हो रही है। और बहुत सारी जगह अपने उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड लगातार हो रही है और बारिश भी पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। जब बारिश हो रही तो कंटिन्यू हो रही है, एक दो दिन तक तो कभी कभी कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो भाई, ऐसे बारिश में अपने उत्तराखंड में आने से बचें, चारधाम जो यात्रा कर रहे हैं यात्रा करने से बचें, क्योंकि उसी टाइम पहले गंगोत्री में भी लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो अभी देहरादून में भी माहौल बिल्कुल भी ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे जैसी बारिश होती है तो लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी सुबह से दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। ये पेड़ पौधे यहाँ पर काफ़ी है। ये रायपुर का क्षेत्र है। ये वीडियो उत्तरकाशी के गंगानी की है, जहाँ लगातार पहाड़ों से पत्थर अलग होते जा रहे हैं। इसके कारण पूरे हरिद्वार में सड़क पूरी तरीके से पानी से भर रखी है। ऐसे में भी कावड़ चल रही है। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग इस बारिश के पानी में भी लगातार यात्रा जारी रख रहे हैं। वो उसकी साइकिल डोर और ये हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के कारण नदियां उफान पर बनी हुई है। अभी थोड़ा सा बारिश धीमी हुई है
और ये देख सकते हैं अभी सूरज ढलने वाला है और उससे ठीक पहले कितना खूबसूरत व्यू है। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप अभी उत्तराखंड आने की सोच रहे हैं या चारधाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस बारिश के बाद ही आप आएँ, क्योंकि आजकल खतरे भी बहुत हैं। लेकिन अगर आप अभी उत्तराखंड में हैं और चारधाम यात्रा कर रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप सेफ एरिया में रहें, सुरक्षित जगहों पर रहें, टाइम पर अपने ऐसी जगह पर होटल लें जहाँ पर वो सुरक्षित हो।